in the ongoing lockdown, the gyms and fitness centers are closed, but the fitness freak continue their passion in cycling. ये थोड़ा फिटनेस के लिए है जी, जिम्स वगैरह बंद हैं तो थोड़ा आदमी अपनी फिटनेस के लिए साइकिलिंग में आ गए, तो ये थोड़ा एरिया साइकिल फ्रेंडली है, तो इसीलिए लोग यहाँ पे काफ़ी साइकिलिंग का क्रेज़, हाँ इट्स द न्यू हॉट ट्रेंडिंग यू कैन से, कि हाँ ये काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। लॉकडाउन के बाद जैसे छूट मिली है तो आजकल आपको तकरीबन बहुत से लोग साइकिलिंग पे मिल जाएंगे, आप साइकिल शॉप्स पे भी अगर जाएंगे तो आज मैं अपने बच्चे के लिए बुक शॉप पे गया था बुक्स लेने, तो मैंने देखा कि साइकिल स्टोर्स पे काफ़ी भीड़ थी, लोग नई नई साइकिल्स भी ले रहे हैं, अपनी पुरानी साइकिल्स भी ठीक करा रहे हैं, चाहे बच्चे हैं चाहे बूढ़े हैं चाहे मिडिल एज हैं, सबको साइकिलिंग का बहुत क्रेज है। फेसबुक पे भी देखेंगे तो बड़ी अच्छी अच्छी ऐप से लोग रोज अपनी वो डालते हैं कि इतने किलोमीटर चलाई, इतने किलोमीटर, इतने घंटे, इतनी कैलोरीज हमने बर्न करी, तो साइकिलिंग का काफ़ी क्रेज है इस टाइम पे। लॉकडाउन में थोड़ा लेजी हो गया था मैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा लेजी हो गए थे, मोबाइल में सारा दिन लगे रहना, तो थोड़ी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, तो सोचा थोड़ी साइकिलिंग कर लेते हैं, थोड़ी फिट भी हो जाएगी। 10 किलोमीटर के आसपास मैं चला लेता हूँ डेली साइकिल। अब लॉकडाउन में थोड़ा वेट गेन हो गया था तो उसको रिड्यूस करने के लिए अब साइकिलिंग का स्टार्ट करा है, अब साइकिलिंग कर रहे हैं और अच्छी एक्सरसाइज है सबसे। लॉकडाउन के बाद बेसिकली जिम बंद हो गई हैं और जिसकी वजह से जितना भी जिम का क्लाइंट था वो सारा साइकिल पे मूव हो गया, और हर बिजनेसमैन जिसका सपना था, शौक़ था कि वो साइकिलिंग करे, जिम जाए, बट टाइम नहीं था, अब लॉकडाउन में उसके पास 6 से या 5 के बाद भी टाइम है तो वो भी साइकिल पे मूव हुए, जिस करके साइकिल के अंदर हमारी सेल अप्रोक्स 4 से 5 गुना बढ़ गई है, और जो मेजर क्लाइंट आया है वो आया है 20,000 से 30,000, मतलब अच्छी गियर बाइक, प्रीमियम गियर बाइक, ब्रांडेड गियर बाइक का, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है लॉकडाउन के बाद, काफ़ी अच्छा मज़ा आ रहा है।